देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी दिलाई और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी अमीर गरीब को लेकर के आगे बढ़ने का जो उद्देश्य था, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी सामाजिक समरसता के साथ, सद्भावना के साथ जो इस देश के लिए काम किया, योगदान दिया। आज केंद्र एवं प्रदेश की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खास तौर से, इस देश में जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है, सद्भावना बिगाड़ रही है और आपसी जो भाईचारा जो नेहरू जी से लेकर के आज तक इस देश के लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक साथ लेकर के भारत को आगे बढ़ाने का जो संकल्प था, उसको ख़त्म करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हम लोग आज उपवास करके पूरे देश में हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिसके लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने कुर्बानी दी, कि देश की एकता अखंडता कायम रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, सद्भावनापूर्ण वातावरण रहे और सभी जात, सभी धर्म के लोग हम सब आपस में मिल करके इस भारत देश को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज इसीलिए हम सभी कांग्रेसजनों ने उपवास रखा है। कौन कौन सा मिला है?